एक क्वेश्चन और है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या है, देखिए, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम बाय द एंगल बिटवीन देम। ओके, क्वेश्चन क्या है समझिएगा, क्वेश्चन में है इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम देन एंगल बिटवीन देम। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और समझने वाला है कि ये आपको हाइपोटन्यूज गिवन है, ठीक, गिवन चीज, इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटन्यूज, मान लो लेंथ ऑफ हाइपोटन्यूज वाई है, एंड अ साइड ऑफ राइट एंगल, मान लो साइड है एक्स है, इज गिवन, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन देम, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा। कई लोग इसमें आंसर 45 लगा देंगे, पर थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्या करना है बता रहा हूं। ये दो आंसर तो होंगे नहीं क्योंकि राइट ट्राइंगल है, तो ये दो एंगल नहीं होंगे। अब 30, 60 या 45 का कंफ्यूजन है, वो अभी दूर करता हूं। ये अगर x है तो ये कितना होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट या k मान लीजिए, ये गिवन है। बहुत अच्छे से समझना होता है इन क्वेश्चंस को अगर कभी करना, और एक बार करके दिमाग में रखो, आंसर ध्यान रहेगा तो टाइम बचेगा। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड राइट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन, ये गिवन है। अब एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे एरिया हाफ एक्स रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहो तो यहां पर से आप एक्स रूट वाई स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हो कितनी, के माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू के स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू के एक्स स्क्वायर, से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो से कंपेयर कर रहा हूं तो बड़ा सिंपल है, पहले स्क्वायरिंग कर दूं फिर डिफरेंशिएट करूं, तो एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब इंटू के, फॉर मैक्स मिनिमा दिस शुड बी जीरो, तो टू ए इंटू डी ए बाय डी एक्स इक्वल टू बोलो टू एक्स के स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू के। अब इसको जीरो से इक्वेट किया तो ये ऐसा हो जाएगा, टू एक्स के स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर के, एक के कैंसिल, टू से ये थ्री टाइम कैंसिल, एक एक्स भी कैंसिल, तो एक तरह से बचा क्या, एक्स इक्वल टू के बाय थ्री, राइट, एक्स की वैल्यू आ गई के बाय थ्री, और यहां पर एक्स की जगह के बाय थ्री रख दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k माइनस k बाय थ्री यानी 2k बाय थ्री, तो x की जगह k बाय थ्री और y की जगह 2k बाय थ्री। cos थीटा निकालने को बोलूं तो आप बोलते k बाय थ्री अपॉन 2k बाय थ्री, यानी cos थीटा 1 बाय टू, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, तो करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री, अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाकी करने का तरीका ये, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और लॉजिकली तो इसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव वेरीफाई करना चाहिए, पर जब दिया हुआ हो तो ये मानते हुए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम यहां पर सेव कर सकते हैं। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, पर अगर आप ट्वेल्थ में कर रहे हो तो इसके बाद एक बार सेकंड डेरिवेटिव जरूर, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो एक बार सेकंड डेरिवेटिव जरूर कर दीजिएगा।